किसने सोचा था कि जिनकी वजह से लोग बॉलीवुड की मूवीज देखने थिएटर में भर भर के आया करते थे वो ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के डाउनफॉल का कारण बनेंगे। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, टेक्निकल स्टाफ, फिल्म मेकर सबके सब परेशान हैं एंड परेशानी का सबसे बड़ा कारण है बॉलीवुड के सुपरस्टार्स। You have to kind of balance what is needed for the film and what is not. Oh. Actor 8 जन साथ में लेके आता है. That is a waste of resources. वो बहुत producer पे बहुत भारी पड़ता है. एक जमाने से हमारे यहाँ सिनेमा में फिल्में नहीं चल रही है। 2024 की शुरुआत में आई बड़ी बड़ी मूवीज जैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान कलेक्टिवली 250 करोड़ का लॉस करके गई। इन मूवीज का फर्स्ट वीक बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बुरे वीक्स में माना जाता है। इनफैक्ट अगर कोविड के समय को छोड़ दें तो 2024 बॉलीवुड की एग्जिस्टेंस में सबसे खराब साल है और ऐसा अभी नहीं काफी समय से चलता आ रहा है। क्योंकि अगर तुम्हें याद ना हो तो कोविड से पहले भी बॉलीवुड जरा क्राइसिस में था। 0-200 करोड़ में बनकर 191 करोड़ कमाकर लॉस करा। कलंक 150 करोड़ में बनी लेकिन कमाए 140 करोड़। जब हैरी मेट सेजल 90 करोड़ में बनकर 62 करोड़ कमा के लॉस कर गई। ये सब बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स सुपरस्टार्स की मूवीज रही हैं जिनको देखने के लिए एक समय जनता पागल रहती थी। कोविड के बाद भी जो मूवीज आई वो लाइन से पिटी। सम्राट पृथ्वीराज, लाल सिंह चड्ढा, बच्चन पांडे, राधे, शमशेरा सबने बहुत भारी लॉस झेला। लेकिन तुम भी सोच रहे हो कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, अभी पिछले साल ही तो बॉलीवुड का सबसे शानदार साल रहा था। 2023 में बॉलीवुड ने अकेले 12,000 करोड़ का बिजनेस करा जिसमें से 1600 शाहरुख खान की दो मूवीज लेके आई। लेकिन सच तो यह है कि 2023 कई मायनों में बॉलीवुड के साथ एक मजाक था क्योंकि इस साल फिर से वो नुकसान की, लॉस की, फ्लॉप्स की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और अब प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स मिलके बॉलीवुड के अंदर एक मच नीडेड करेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं और उस करेक्शन की शुरुआत होगी ये सारे एक्टर्स की हाई फीस को कम करने से। देखो, इंडिया में एक्टर्स का स्टार कल्चर दशकों पुराना है। सालों से लोग बस स्टार्स के नाम और चेहरे पर मूवी देखने पहुंच जाते थे, तो जनता के साथ साथ स्टार्स की अहमियत मूवी इंडस्ट्री में भी थी क्योंकि वो बिजनेस बढ़ाते हैं बॉलीवुड का। लेकिन हाल ही में आई इन स्टार्स की मूवीज के डे वन ओपनिंग वीकेंड की कमाई तो ना बराबर होती है लेकिन फीस इतनी कि प्रोड्यूसर का घर बिक जाए। जैसे बड़े मियां छोटे मियां में अक्षय कुमार की फीस 80 करोड़ थी, टाइगर श्रॉफ की फीस लगभग 45 करोड़, लेकिन पहले दिन मूवी ने कमाए सिर्फ 15 और लाइफ टाइम में कुछ 92। ऐसे ही बच्चन पांडे के पहले दिन का कलेक्शन सिर्फ 13 करोड़ था लेकिन उसके लिए अक्षय कुमार ने 99 करोड़ चार्ज किए थे। शाहरुख, सलमान जैसे बड़े बड़े एक्टर 100 करोड़ या उससे भी ऊपर चार्ज करते हैं, तो वहीं आमिर खान जैसे अगर इतना चार्ज नहीं करते तो मूवी के रेवेन्यू कलेक्शन में 80% तक के शेयर की मांग रख देते हैं। एंड अब बॉलीवुड से उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स का मानना यह है कि बॉलीवुड की जो डूबती हुई बिजनेस इंडस्ट्री है उसका सबसे बड़ा कारण ये एक्टर्स है। एंड सैड बात तो यह है कि इन एक्टर्स की हाई फीस को अकोमोडेट करने के लिए सबसे पहले आपके राइटर्स, टेक्नीशियंस के पैसे काटे जाते हैं। काफी बार तो ये कहा जाता है कि एक्टर के हेयर ड्रेसर की फीस मूवी के राइटर से भी ज्यादा थी। एक्टर्स अपनी पूरी एक टीम लेके वैनिटी में घूमते हैं, शेफ से लेकर स्पॉट बॉय, पर्सनल सिक्योरिटी, स्टाइलिस्ट, सबकी डेली फीस हजारों लाखों में होती है, जिनको एक्टर्स करते तो यूज अपने पर्सनल काम के लिए है लेकिन इनका खर्चा मूवी के प्रोड्यूसर की जेब से निकलता है। लेकिन एक्टर्स के इतने नखरे, इतनी हाई डिमांड्स पहले तो नहीं हुआ करती थी। इवन दो कई मायनों में एक्चुअल स्टार कल्चर तो बॉलीवुड में 20-30 साल पहले हुआ करता था। प्रोड्यूसर रतन जैन का कहना है कि 2005 से पहले चाहे शाहरुख, आमिर, अक्षय, अजय देवगन, कोई भी एक्टर क्यों ना हो, उनको 2.5 करोड़ से ऊपर फीस वो नहीं देते थे। तो ऐसा क्या हुआ 2000s में जो एक्टर्स की फीस इतनी बढ़ गई कि आज पूरी मूवी इंडस्ट्री इंडिया में हिली हुई है। ऐसा होने से इंडस्ट्री के राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स पर कैसे फर्क पड़ता है? एक बॉलीवुड मूवी की इकोनॉमिक शुरुआत से लेके अंत तक काम कैसे करती है? सालों से चला आ रहा ये स्टार कल्चर क्यों आज खत्म होने की कगार पर है एंड क्यों बॉलीवुड को स्टार्स की जरूरत हमेशा रहेगी? क्यों ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये इंडस्ट्री में फीस का करेक्शन नहीं करा गया तो ये इंडस्ट्री की डेथ साबित हो सकती है? और आखिर में तुम्हें जो बुरी मूवीज आज देखने को मिल रही है, फ्लॉप मूवीज जनता बॉलीवुड को देती जा रही है, उसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है? अगर तुम्हें लगता है द इकोनॉमिक्स ऑफ बॉलीवुड स्टार्स आर कॉम्प्लिकेटेड, वेट टिल यू मैनेज योर ओन बिजनेस, बट इफ यू ऑलरेडी डू देन ओडू कैन हेल्प यू आउट। ओडू इज एन ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सुइट जो तुम्हारे बिजनेस के हर एस्पेक्ट में तुम्हारी हेल्प कर सकता है। इसमें तुम्हें 70+ एप्स मिलते हैं जो तुम्हारे बिजनेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जैसे सेल्स, अकाउंटिंग, CRM, मार्केटिंग, HR
के लिए परफेक्ट है। तुम CRM, अकाउंटिंग, इनवॉइसिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट या फिर अपने लिए एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। एंड ओडू का एक ऐप तुम्हारे लिए हमेशा फ्री है विद अनलिमिटेड कस्टमर सपोर्ट एंड होस्टिंग। रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर एन इंडिविजुअल, अ स्टार्टअप और अ बिजनेस, यू कैन यूज ऑल ऑफ ओडूज एप्स विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज एंड सुपर चार्ज योर बिजनेस पोटेंशियल। यू कैन चेक आउट ओडू फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। जो मूवीज हम अपनी टीवी स्क्रीन पर या फिर थिएटर में देखते हैं उसको स्क्रैच से एंड प्रोडक्ट तक लाने में एक प्रोड्यूसर का काम शायद सबसे ज्यादा होता है। हर एक मूवी को तुम एक प्रोड्यूसर के लिए एक स्टार्टअप की तरह मान सकते हो जिसमें वो इन्वेस्ट करता है और कुछ समय बाद वो उसके लिए प्रॉफिट या लॉस ला कर देती है। Every movie is essentially like a startup you're investing in. लेकिन ये समझने के लिए कि एक एक्टर प्रोड्यूसर से 100 करोड़ रुपए डिमांड कैसे कर सकता है, ये समझना जरूरी है कि एक प्रोड्यूसर मूवी में पैसा कब, कहां और क्यों लगाता है। सिंपल भाषा में एक मूवी सिनेमा हॉल में रिलीज होने से पहले 4 स्टेज से गुजरती है, डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। पहली स्टेज है डेवलपमेंट, जिसमें वो काम होता है जो मूवी का फाउंडेशन बनता है। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर यहां मेहनत नहीं करी गई तो एक मूवी का अच्छा और सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। रीसेंट टाइम्स में ब्रह्मास्त्र एक ऐसी बहुत बड़ी मूवी है जिसका प्री प्रोडक्शन डेवलपमेंट स्टेज अच्छे से डॉक्यूमेंट करा गया था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटमेंट थी। इस स्टेज में मूवी की स्क्रिप्ट्स, डायलॉग लिखे जाते हैं, राइटर्स को हायर करा जाता है कंपेलिंग स्टोरी लिखने के लिए, जिसमें कई बार महीने और साल भी लग सकते हैं। बॉलीवुड में एक एस्टैब्लिश्ड राइटर 75 लाख से 2 करोड़ रुपए तक भी चार्ज करते हैं। लेकिन ये तो टॉप के राइटर्स हैं। उसके बाद जो मिड लेवल वाले होते हैं वो कई मायनों में 50 से 60 लाख चार्ज करेंगे और बाकी जो मॉडरेट सक्सेस कमाते हैं उनकी सैलरी 20 से 30 लाख होती है एक स्क्रिप्ट के लिए। लेकिन इंडस्ट्री में जो नए राइटर्स आते हैं उन्हें करा जाता है एक्सप्लॉइट और उनको एक स्क्रिप्ट के लिए महज 2 से 3 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन उस नए राइटर को भी वो स्क्रिप्ट लिखने में उतना ही टाइम और एफर्ट लगता है जितना एक एस्टैब्लिश्ड राइटर को लगता है। मूवीज फिर प्री प्रोडक्शन स्टेज में जाती है जहां मूवी की कास्टिंग, लोकेशन और एक डिटेल्ड बजट बनाया जाता है। प्रोड्यूसर्स लॉजिस्टिक्स प्लान करते हैं और शूट शेड्यूल करते हैं। प्री प्रोडक्शन में एक्टर्स, डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर्स, बाकी की मेन और सपोर्टिंग क्रू एंड कास्ट को हायर करा जाता है। जैसे अभी तुम कहानी सुन रहे थे रामायण की, जिसमें रणबीर कपूर और साई पल्लवी जैसे एक्टर्स के कास्टिंग की अनाउंसमेंट, म्यूजिक डायरेक्टर्स की अनाउंसमेंट, मूवी की प्रोडक्शन की अनाउंसमेंट, बैकग्राउंड सेट्स की फोटोज, ये सब तुम्हें देखने को मिले। इसी स्टेज में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नेगोशिएशंस होते हैं, सेट्स को डिजाइन करा जाता है, कॉस्ट्यूम रेडी होते हैं, प्रॉप्स रेडी होते हैं, रिहर्सल स्टार्ट होती है एंड फिर मूवी प्रोडक्शन में जाती है जहां मूवी की शूटिंग शुरू होती है। इसी स्टेज में सारे कॉस्ट जैसे इक्विपमेंट, लोकेशन, ट्रैवल, अकोमोडेशन और क्रू के डेली वेजेस मेनली प्रोड्यूसर्स को बेयर करने पड़ते हैं। इसकी अगली स्टेज होती है पोस्ट प्रोडक्शन, जहां एडिटिंग, साउंड डिजाइन, विजुअल इफेक्ट्स, मूवी की मार्केटिंग, प्रमोशंस, ट्रेलर्स, पोस्टर्स और बाकी मटेरियल रेडी करा जाता है जिससे मूवी को ऑडियंस तक पहुंचाया जा सके। ये सब रेडी होने के बाद मूवी जाती है डिस्ट्रीब्यूशन में, जहां और अलग चैनल्स होते हैं जैसे थिएट्रिकल रिलीज, डिजिटल, सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स। एंड इतना सब मेहनत करने के बाद इस सारी प्रोसेस में जब मेजॉरिटी ऑफ द पैसा मूवी का स्टार ले जाए तो मूवी के लिए सक्सेसफुल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बॉलीवुड मूवी या फिर एक कोई भी मूवी को 2 तरह सक्सेसफुल माना जाता है। एक तो जब वो एक क्रिएटिव क्रिटिकल सक्सेस हो, ऑडियंसेस को पसंद आए, और दूसरा एंड मोर इंपॉर्टेंट जब वो एक बिजनेस सक्सेस हो। अब एक क्रिएटिव कमर्शियल सक्सेस होने के लिए मूवी के फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। एंड इसमें सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, मूवी की राइटिंग, स्क्रिप्ट, डायलॉग, पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग, साउंड डिजाइन, कोई भी विजुअल इफेक्ट, ये सब आता है। एंड मूवी की फाउंडेशन ठीक नहीं होगी तो मूवी इंडियन ऑडियंसेस को पसंद नहीं आएगी। फैन पिक्चर टोटल डिसअपॉइंटमेंट, पहली बार शाहरुख खान का बकवास पिक्चर देखा। एंड सैड बात ये है कि रीसेंट टाइम्स में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो इन फंडामेंटल्स पे ही फॉल्टर करते हैं। सिर्फ स्टार पावर पर मूवी को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करी जाती है। अब अगर तुम इंडियन इंडस्ट्री का एग्जांपल लो तो जब बाहुबली रिलीज हुई थी तो उसके वो सारे फाउंडेशंस बहुत स्ट्रांग थे। एंड उस मूवी के सक्सेस के बेसिस पे जब प्रभास को लेकर और प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स ने राइड ऑन करने की कोशिश करी तो प्रभास की मूवीज जो बहुत बड़े बड़े बजट में बनी थी वो थिएटर में आके फ्लॉप हो गई। सिर्फ प्रभास की ही नहीं, आमिर खान की आई लाल सिंह चड्ढा जो एक रीमेक था एक 30 साल पुरानी मूवी का, ऑडियंसेस के लिए कुछ नया फाउंडेशन लेके नहीं आई एंड वो भी फ्लॉप हो गई। अब क्रिएटिव सक्सेस के लिए तो ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन मूवी एक बिजनेस कमर्शियल सक्सेस हो उसके लिए सारी चीजें सही होना जरूरी नहीं है। और इसी के कारण एक्टर्स के अलावा मूवी की फाउंडेशन स्ट्रांग करने वाले एलिमेंट जैसे राइटर्स और टेक्नीशियंस उनकी अहमियत प्रोड्यूसर्स नहीं समझते। जैसे जब फराह खान की डायरेक्टेड अक्षय कुमार स्टारर 30 मार खान रिलीज हुई थी तो लोगों ने उसका बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट फ्लॉप निकाला था। लेकिन जब यूटीवी मोशन पिक्चर्स के सीईओ सिद्धार्थ राय कपूर से पूछा गया कि उन्होंने ये फ्लॉप मूवी रिलीज करने में कितना पैसा गवाया,
तो उन्होंने हंसते हुए बताया कि उन्होंने पैसा गवाया नहीं, उल्टा कमाया उस मूवी से। इन फैक्ट 90% ऑफ द मूवीज जो बॉलीवुड में निकलती हैं वो फ्लॉप्स होती हैं, लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर्स उन मूवी से बहुत ज्यादा पैसा बना लेते हैं चाहे वो फ्लॉप ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ साल पहले इन द ईयर्स ऑफ 2000s, जब ये सारी चीजें जिसमें मूवीज, राइटिंग, डायलॉग, स्क्रिप्ट का ध्यान रखा जाता था, वो सिस्टम अचानक से खराब कैसे हो गया। बॉलीवुड की इकोनॉमिक्स की कहानी चेंज होती है 2005 में, क्योंकि 2005 से पहले बॉलीवुड में बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की जगह इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे। प्रोड्यूसर्स के पास उस समय एक लिमिटेड बजट हुआ करता था एंड कुछ ही तरीके होते थे एक मूवी के लिए पैसे जोड़ने के, जैसे लोन लेना। जैसे 1970 में आई थी मूवी मेरा नाम जोकर, उसके लिए सुपरस्टार राज कपूर, उस मूवी की प्रोडक्शन की बजट को अरेंज करने के लिए इन्होंने अपना घर, स्टूडियो और बाकी सारे एसेट्स गिरवी रख दिए थे। मूवी को 6 साल लगे बनने में एंड जब वो फाइनली थिएटर पर रिलीज हुई तो वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। वो थोड़ा दुखी थे कि मेरा नाम जोकर ने वो नहीं किया जो वो चाहते थे। It was his favorite picture. फिल्म की वजह से राज कपूर को भारी नुकसान उठाना पड़ा, उनके परिवार को एक खलत फाइनेंशियल टाइम से गुजरना पड़ा। ऐसे ही कुछ प्रोड्यूसर्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स को रीच आउट करा करते थे, जैसे मदर इंडिया को रिलीज करने के लिए महबूब खान ने प्राइवेट इन्वेस्टर से फंडिंग ली थी, या फिर प्रोड्यूसर्स डिस्ट्रीब्यूशन राइट की प्री सेल करा करते थे, जैसे यश चोपड़ा ने दीवार मूवी के रिलीज से पहले उसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट बेच दिए, फंड रेज करा एंड उन्हीं पैसों से मूवी बनाई। इन फैक्ट इन बॉलीवुड मूवीज को प्रोड्यूस करने के लिए पॉलिटिशियंस, गैंगस्टर्स या फिर और ऐसे पावरफुल लोगों की हेल्प ली जाती थी। एंड मॉडर्न टाइम्स में तो ये सुनने को कम मिलता है, लेकिन 2000 से पहले बॉलीवुड इनफेमस था। इन लोगों से ब्लैक में पैसा लेकर मूवी फाइनेंस कराने के लिए और फिर जब मूवी रेवेन्यू कमा ले तो वो पैसा व्हाइट में करके उनको वापस देने के लिए। जैसे 2012 में कोबरा पोस्ट का एक स्टिंग ऑपरेशन करा गया था जिसको द रियल डर्टी पिक्चर के नाम से लोगों के सामने पेश करा था। कोबरा पोस्ट एंड आईबीएन नेटवर्क नाउ ब्रिंग्स टू यू द रियल डर्टी पिक्चर। इसमें टॉप डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जैसे वशु भगनानी, अनुभव सिन्हा और अनीस बाजमी ब्लैक में पैसा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और अच्छे से समझाते हैं कि कैसे सालों से बॉलीवुड में ब्लैक मनी को इस तरह से वाइट करा जा रहा है। हमारे साथ मैंने इनको बताया था राजीव जी की हमारे साथ प्रॉब्लम ये कि हमारा कैश का अरेंजमेंट जाते हैं, ब्लैक का पैसे का है, हम अपना पैसा जो लगा रहे हैं वो वाइट भी हमारा हो जाए। मैक्सिमम हम चाह रहे हैं कि भाई ब्लैक का इसमें लग जाए, वाइट आ जाए हमारा। इसका सबसे बड़ा और पॉपुलर एग्जांपल है खुद अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम, जिन पर ये तक एलिगेशंस है कि वो फिल्म मेकर्स को फोर्स करा करते थे उनसे पैसे लेने के लिए, और अगर कोई फिल्म मेकर मना करता था तो उसको जान से मारने की धमकी देते थे। अब ऐसे ही अलग अलग तरह से प्रोड्यूसर्स फंड्स इकट्ठा करते थे मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड मूवी जब थिएटर में रिलीज होती थी तो मूवी सक्सेसफुल होगी या नहीं इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होते थे मूवी के स्टार्स। जितना बड़ा मूवी में बॉलीवुड का सुपरस्टार उतने ज्यादा चांसेस की मूवी ऑडियंसेस को पसंद आएगी और सक्सेसफुल होगी, क्योंकि इंडिया में स्टार कल्चर तो 1960 से चला आ रहा है। राज कपूर, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान कुछ ऐसे बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे हैं जिनके बस नाम से लोग थिएटर मूवी देखने के लिए पहुंच जाते थे। स्टार्स के बिना एक मास मूवी बनाना नामुमकिन था और मास मूवी नहीं बनती तो बॉलीवुड इतने टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि मूवीज मॉडर्न टाइम से पहले सिर्फ सिंगल स्क्रीन थिएटर पर दिखाई जाती थी जिसका टिकट प्राइस बहुत सस्ता हुआ करता था, जिसकी वजह से लाखों लोग मूवीज देखने जाते थे और उन स्टार्स की रेलेवेंस उनके मन में हमेशा बनी रहती थी। कि फिल्मों का बिजनेस सिनेमा का मास से ही होगा, लेकिन उस दौरान फिल्म की अहमियत सिर्फ उसके स्टार पर नहीं और चीजों पर भी निर्भर करती थी। फिल्म कितनी अच्छी चलेगी, कितने पैसे कमाएगी, उसकी जिम्मेदारी स्क्रिप्ट, डायलॉग्स, राइटिंग पर भी उतनी ही होती थी। इसीलिए उस समय के बॉलीवुड के राइटर्स को भी अच्छे से एक्नॉलेज करा जाता था, जैसे सलीम खान और जावेद अख्तर अपने समय के बहुत मशहूर बॉलीवुड राइटर्स थे। उनका रेलेवेंस तो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो उस सदी के सुपरस्टार से भी ज्यादा पैसे लेते थे। जैसे दोस्ताना मूवी के लिए जब अमिताभ बच्चन को 7 लाख रुपए मिले थे तो राइटर्स ने 7.5 लाख चार्ज किए थे, क्योंकि उस समय शायद ये बात लोगों को पता थी कि एक राइटर मूवी की बैकबोन का काम करता है, इसीलिए वो ज्यादा पैसे भी डिजर्व करता है। एंड मूवीज के बजट उस टाइम पर कम हुआ करते थे क्योंकि एक दो इंसान ही मूवी को प्रोड्यूस करा करते थे। जैसे भेजा फ्राई सबसे कम बजट में बनने वाली मूवीज में गिनी जाती है, जिसको सुनील दोषी ने सिर्फ 60 से 70 लाख में बना दिया था। लेकिन 2005 में चीजें बदल जाती हैं क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री होती है कॉर्पोरेट्स की, जो आगे चलकर बॉलीवुड की इकोनॉमी को पूरी तरह बदल के रख देते हैं।
और सिर्फ इंडियन कॉर्पोरेट्स ही नहीं, बाहर से विदेश से कंपनीज आके इंडिया के मूवी मार्केट में इन्वेस्ट करना और बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करना शुरू करती हैं। 20th सेंचुरी फॉक्स, यूटीवी, ईरोस, कुछ ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जिनको मूवीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। एंड कॉर्पोरेट्स के आने से बॉलीवुड इंडस्ट्री कई मायनों में स्ट्रक्चराइज होना शुरू हो गई, इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म और ट्रांसपेरेंसी बढ़ने लग गई, थोड़ा अभी ऑर्गेनाइज्ड हो गई है इंडस्ट्री ना, लोग टाइम पे आते हैं और स्टूडियो सिस्टम है और ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर प्रॉपर, किसी का पैसे कोई खा नहीं सकता है, ऑल दैट हैपेंड। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, इस कॉर्पोरेटाइजेशन ने, स्ट्रक्चराइजेशन ने मूवीज को, इंडस्ट्री को कमाने के और बहुत सारे एवेन्यूज दे दिए। जैसे कि जहां पहले मूवीज का रेवेन्यू सिंगल स्क्रीन थिएटर से टिकट के आए हुए पैसों पर डिपेंड करता था, इन कॉर्पोरेट्स ने मूवीज को मोर ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए टीवी चैनल का सहारा लेना शुरू कर दिया, जिसका इस्तेमाल कर मूवी के सैटेलाइट राइट्स बेचकर मूवी के थिएटर से उतर जाने के बाद भी मूवी ने पैसा कमाना बंद नहीं किया। उसके साथ साथ मूवीज को इंटरनेशनल मार्केट्स में इंट्रोड्यूस करा गया। 2005 से पहले इंडिया की कोई भी मूवी शायद ही बाहर जाके रिलीज होती थी, बाहर जाके पैसे कमाती थी। ये कॉर्पोरेटाइजेशन ही था जहां पे बाकी कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एस्टैब्लिश करे गए और मूवीज की रीच को ग्लोबल स्केल पर लेके गए। जैसे शाहरुख खान की मूवी माय नेम इज खान 85 करोड़ में बनी थी, इंडिया में उसका कलेक्शन 82 करोड़ रहा, लेकिन जब 20th सेंचुरी फॉक्स ने उसको इंटरनेशनली रिलीज किया तो मूवी सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट से 110 करोड़ कमा गई। वैसे ही दिल से जो 11 करोड़ में बनी थी उसने इंडिया में 10 करोड़ का रेवेन्यू करा, लेकिन ईरोस इंटरनेशनल ने बाकी कंट्रीज में उसको जब इंट्रोड्यूस करा तो उसकी बाहर की अर्निंग 28 करोड़ तक पहुंच गई। एंड इसमें एक और ट्विस्ट तब आया जब इंडिया का मार्केट डिजिटाइज होना शुरू हो गया, क्योंकि पहले ज्यादातर मूवीज सिनेमा के बाद डीवीडी पर देखी जाती थी, जिसमें पायरेसी का ना होना तो नामुमकिन था। हम सब ने देखी है वो डीवीडी जिसमें एक डिस्क पर 5-7 मूवीज होती थी, जो थिएटर में रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद आपके नजदीकी सीडी हाउस पर मिल जाती थी। डीवीडी का मार्केट ग्लोबली एग्जिस्ट करता था। जैसे यूएस के मार्केट में मूवी का थिएटर से उतर जाने के बाद रेवेन्यू जनरेट करने में डीवीडी का बहुत बड़ा हाथ रहता था। अगर एक फर्क था तो बस ये कि मूवीज वहां पर लाइसेंस होती थी और इंडिया में पायरेटेड। एंड इसीलिए इंडिया का हिसाब डीवीडीज के मामले में बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि यहां पायरेसी की वजह से इंडस्ट्री साल में $2.7 बिलियन तक का लॉस झेलती थी। एंड जैसे जैसे टाइम आगे चलता चला गया, सिंगल स्क्रीन सिनेमाज बंद होने लगे एंड हर छोटे छोटे शहर में मल्टीप्लेक्सेस आ गए, जहां सिंगल स्क्रीन सिनेमा में ₹50 का टिकट बेचकर 1000 लोगों को मूवी दिखाकर पैसे कमाए जाते थे, उतना एक मल्टीप्लेक्स में ₹500 का टिकट बेचकर सिर्फ 100 लोगों से कमाए जाने लगे। A huge chunk of the revenues is coming in from multiplexes. 2005 से 2020 आते आते जैसे जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ा, मूवीज को और एवेन्यूज तो मिले पैसे कमाने के। जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म लाइक डिज्नी हॉटस्टार, अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स के आने से बॉलीवुड कॉन्टेंट को एक और प्लेटफॉर्म मिला एंड इंडस्ट्री को रेवेन्यू के एवेन्यूज मिले, लेकिन इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहे बॉलीवुड के सुपरस्टार। इन्हें जो नया सा मिक्स निकल के आया ना, पुराने स्टार कल्चर का, कॉर्पोरेट के स्ट्रक्चर का, डिजिटल एवेन्यूज का, इसके चलते खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे बड़े एक्टर्स के नाम पर तो मूवीज चलने लगी। एंड उसका फायदा उठाने के लिए OTTs, कॉर्पोरेट प्रोडक्शन हाउस ने इन बड़े बड़े एक्टर्स को भर कर पैसे दिए इनकी मूवीज फाइनेंस करने के लिए। जैसे अक्षय कुमार की मूवी लक्ष्मी बॉम्ब को एक्सक्लूसिव डिजिटल राइट्स लेने के लिए डिज्नी हॉटस्टार ने 125 करोड़ रुपए दिए। वैसे ही ईरोस, यूटीवी जैसे कंपनीज ने प्रोड्यूसर को अच्छे से फंड करा टॉप एक्टर्स के साथ मासी मूवीज बनाने के लिए। एंड यही वो कहानी थी जिसके चक्कर में स्टार इकोनॉमिक्स की शुरुआत बॉलीवुड में हो गई, जहां पहले टॉप एक्टर्स 2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं लेते थे, वहीं देखते देखते 10, 20, 40 और 100 करोड़ से भी ऊपर बॉलीवुड के एक्टर्स को दिए जाने लगे। एंड एक बहुत गोल्डन पीरियड आया जहां बॉलीवुड के एक्टर्स पैसा कमा रहे थे, प्रोड्यूसर्स को उनको पैसे वापस मिल रहे थे, मूवीज भी कई महीनों में सक्सेसफुल हो रही थी। लेकिन इस सब के दौरान एक मूवी की क्रिएटिव सक्सेस के बारे में सोचना लोगों ने बंद कर दिया था। एंड इसीलिए आज का समय ऐसा है जब बॉलीवुड की पूरी इकोनॉमिक्स फेल होती दिख रही है। फिल्म मेकर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर सब ये मानते हैं कि अगर इस इकोनॉमी को, इस हाई फी स्टार कल्चर को करेक्ट नहीं किया गया तो ना सिर्फ ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बट उस स्टार कल्चर के लिए भी बहुत नुकसानदायक साबित होगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री के इकोनॉमिक्स को कोई रियलिटी चेक नहीं रहा है, ऐसा मैं नहीं, मुकेश भट्ट कह रहा है। इनफैक्ट एसएस राजामौली ने तो ये भी कहा कि कॉर्पोरेट्स ने बिना फिल्म मेकिंग की समझ कर इंडस्ट्री में हेविली पैसा पंप करके
इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड जब इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ऐसा कह रहे हैं, तो मैंने भी जाके रिसर्च करी और पता चला कि कॉर्पोरेट्स ने इंडस्ट्री में तीन तरीके से पैसे डाले, एंड वो था प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। एंड भले ही इस सब की शुरुआत मूवीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हुई हो, जैसे कॉर्पोरेट्स ने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंटरनेशनल चैनल नेटवर्क बनाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मूवीज को पहुंचाकर रेवेन्यू जनरेट करा जा सके, वहीं प्रोडक्शन और मार्केटिंग के लिए टॉप एक्टर्स को बहुत ज्यादा पे करा जाने लगा क्योंकि उनके स्टारडम की वजह से ज्यादा ट्रैफिक मिलता था जिससे ज्यादा रेवेन्यू आता था। एंड ऐसा करके कॉर्पोरेट्स, फिल्म क्रूज, एक्टर्स को कम रिस्क लेना पड़ता था क्योंकि बॉक्स ऑफिस में पिटने के बाद भी रिटर्न तो मूवी पर ठीक ठाक आ जाता था, जिसका लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट ये हुआ कि इस सिस्टम की वजह से लोगों का फिल्म मेकिंग में कन्विक्शन लूज होना स्टार्ट हो गया। कॉर्पोरेट स्टार्टेड कमिंग इनटू हिंदी फील्ड एंड पेइंग हाई फीस टू एक्टर्स, टू डायरेक्टर्स और कंपनीज। जैसे बहुत सिंपल मायनों में एक्टर्स को बहुत हाईली पे करा जाता था क्योंकि उनके नाम पर मूवीज चलती थी, और जैसे जैसे एक्टर्स की हाई फीस की डिमांड आने लगी, वो पूरी होने लगी, उनकी आदत बिगड़ती चली गई और वो और फीस डिमांड करने लग गए। एंड ये कोई नई बात नहीं है कि बॉलीवुड में एक्टर्स के नखरे होते हैं, बट नखरे जब इस मायने तक बन जाए कि एक एक्टर अपने खुद के 8-9 लोगों की क्रू के साथ वैनिटी में आए जिसमें उनके खुद के शेफ, स्पॉट बॉयज, गार्ड सब होते हैं, और इन सब की फीस मूवी के प्रोड्यूसर्स को बेयर करनी पड़ती है। एंड कई मायनों में टॉप एक्टर्स से तो आप ये उम्मीद लगाओगे कि वो मूवी को एक अच्छी बम्पर ओपनिंग देंगे, लेकिन जैसे जैसे वो डिजिटल OTT एक्सक्लूसिव राइट की वेव कम होने लगी, ये पता चलने लगा कि कुछ चुनिंदा एक्टर्स के अलावा मुश्किल ही कोई भी एक्टर स्टार कहलाने के लायक नहीं माना जा सकता। बड़े बड़े एक्टर जैसे अक्षय कुमार, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ जो बहुत हाई फीस चार्ज करते हैं, लेकिन उनकी मूवीज कब आकर चली जाती है किसी को पता भी नहीं चलता। यू नो, फिल्म मेकिंग इज नॉट अबाउट पंपिंग इन मनी इनटू फिल्म्स। एंड इस इकोनॉमिक्स के खराब होने का कारण, स्टार पावर का कम होने का कारण है एक मल्टीप्लेक्सेस का आना, क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस के आने के बाद मूवी एक्सपीरियंस को, कहानी, सिनेमा, मूवीज का इम्पैक्ट लोगों पर छोड़ने की जगह कॉर्पोरेट ने इंडस्ट्री में घुसकर उस एक्सपीरियंस, सिंगल स्क्रीन एक्सपीरियंस के लिए मूवीज बनाना ही बंद कर दिया। 1990s में इंडिया में लगभग 25,000 सिंगल स्क्रीन सिनेमा हुआ करते थे, जो 2009 तक 9,700 रह गए और 2023 तक सिर्फ 6,000 बचे हैं। बहुत सारे सिंगल स्क्रीन सिनेमाज को या तो मल्टीप्लेक्सेस में कन्वर्ट कर दिया गया है या फिर हटा दिया गया है। एंड बॉलीवुड समय के साथ ये भूल गया कि स्टार्स को देखने वाली जनता सिंगल स्क्रीन सिनेमा पर सस्ता टिकट लेकर देखने जाया करती थी, ना कि मल्टीप्लेक्स में महंगा टिकट और महंगा खाना खाने। एंड अब जब मूवीज बॉलीवुड के मल्टीप्लेक्सेस के लिए बनाई जाती है, तो एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ इंडिया सिनेमा स्टार से डिसोसिएट होना शुरू हो गया। एंड आखिरी सुपरस्टार जो लोग मानते हैं वो ये तीन खान है, क्योंकि बाकी एक्टर्स को मास ऑडियंस से सिंगल स्क्रीन सिनेमा के थ्रू कनेक्ट होने का मौका ही नहीं मिला। द लास्ट ऑफ द स्टार्स। वहीं फिर स्टार्स की रेलेवेंस कम होने का बड़ा कारण है OTT प्लेटफॉर्म्स की सक्सेस, क्योंकि जब लोगों को OTT पर ही इतना डाइवर्स और अच्छा कंटेंट मिलने लग गया, तो वो कंटेंट जो कई महीनों में कभी-कभार सिनेमा से भी बेटर होता है, उसको देखने के लिए वो घर से बाहर जाए ही क्यों। जैसे मुकेश भट्ट का कहना है कि सिनेमा के रेलेवेंस कम होने का कारण OTT प्लेटफॉर्म्स और कॉर्पोरेट जिस तरह से पहले मूवीज को फाइनेंस कर दिया करते थे, वो उन्होंने बंद कर दिया है, जिसके चलते एक्टर्स की हाई डिमांड की फीस का बोझ सीधा प्रोड्यूसर्स पर आ जाता है। एंड डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सब सिर्फ एक्टर्स को ब्लेम कर रहे हैं। उनकी फीस अनरीजनेबल होती है क्योंकि अपनी फीस के मुताबिक वो मूवी को ओपनिंग डे पर बिजनेस भी नहीं ला के दे पाते हैं। वहीं एक्टर्स का कहना है कि उनकी फीस जस्टिफाइड है क्योंकि वो सेट पर आकर घंटों मेहनत करते हैं। एंड प्रॉब्लम तब आती है जब ये एक्टर्स की हाई फीस का बोझ प्रोड्यूसर्स मूवी के बाकी डिपार्टमेंट से काटना शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है मूवी के राइटर। राइटर्स को अक्सर यह कह दिया जाता है कि क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है तो वो उनकी फीस नहीं बढ़ा सकते। जैसा सलीम खान और जावेद अख्तर ने बोला था कि अगर राइटर्स मूवी की बैकबोन होती हैं, तो अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो पूरी मूवी खराब हो जाएगी। एंड कॉस्ट कटिंग का रिजल्ट यह रहता है कि मूवी में या तो टैलेंटेड राइटर डीमोटिवेट होकर कम पैसों पर काम करते हैं, या ऑल टुगेदर लेस एक्सपीरियंस वाले लोग जो अपनी जॉब अच्छे से नहीं करते और वो बाद में स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होता है। जैसे अगर आदि पुरुष में प्रभास की फीस को आधा करके अच्छे राइटर, अच्छे VFX हाउस को दे दिया जाता, तो मूवीज में से शायद बाद में डायलॉग्स काटने की नौबत नहीं आती। एंड मूवीज जब अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो भले ही और रेवेन्यू चैनल्स के चक्कर में वो अपना बजट रिकवर कर पाए, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस में तो पिटेंगी, लेकिन ऑडियंसेस को क्रिटिकली अपीज नहीं कर पाएंगी, ऑडियंसेस को अच्छी कहानी देकर खुश नहीं कर पाएंगी। एंड इंडिया का मूवी देखने वाला तबका सिनेमा से, स्टार से, मूवी से और दूर होता चला जाएगा। एंड एक्टर्स की हाई फीस ये इंडस्ट्री इकोनॉमी की साइकिल को रोक देती है, जिसकी वजह से ना तो क्रू को पैसा मिलता है, जिसकी वजह से मूवीज अच्छी नहीं आती,
जिसको देखने के लिए ऑडियंस जनता थिएटर्स में नहीं जाती एंड फिर डायरेक्टर्स राइटर्स एंड प्रोड्यूसर्स एक्टर्स को ब्लेम करते हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इस सब का समाधान क्या है, कैसे वापस से बॉलीवुड इंडस्ट्री को 2023 की तरह अकेले शाहरुख खान से नहीं बल्कि अपने आप से रिवाइवल मिल पाएगा। फिल्म इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि बॉलीवुड के एक्टर्स को रीजनेबल होना पड़ेगा अपनी फीस को लेकर, बट सच्चाई तो ये है कि एक फ्री मार्केट की तरह जैसे बॉलीवुड का मार्केट पिछले 20 सालों में इन्फ्लेट हुआ है, एक क्रिटिकल पॉइंट पर आके वो खड़ा हो गया जहां उसे अपने आप को करेक्ट करना ही पड़ेगा। एक्टर्स के अपने स्टार पावर ना होने के कारण ऑडियंस में वो डिमांड ही नहीं रही जो स्टार्स देना चाह रहे थे, एंड क्योंकि एक्टर्स के पास वो स्टार पावर है ही नहीं तो मूवीज देखने के लिए वो जनता जो स्टार्स को देखना चाह रही थी थिएटर में आके रेवेन्यू देने के लिए तैयार ही नहीं है। एंड इवन मोर इम्पोर्टेंटली मूवीज को ठीक से प्राइस करना इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सच नहीं है कि ऑडियंस मूवीज देखना नहीं चाहती है। जैसे साउथ की मूवीज RRR, पुष्पा या फिर पिछले साल आई शाहरुख खान की मूवीज जवान ये दर्शाती हैं कि ऑडियंसेस में आज भी मासी मूवीज देखने का शौक है, लेकिन हर एक मूवी का अपना प्राइस ब्रैकेट होता है। कई मूवीज इंडिया में ₹1000 तक के टिकट चार्ज करती हैं क्योंकि उनको अपना हाई प्रोडक्शन बजट रिकवर करना होता है। बेसिक से बेसिक मूवीज की कॉस्ट इन्फ्लेट होकर 100-150 करोड़ तक पहुंच चुकी है, लेकिन सच तो यह है कि ऑडियंस के लिए तो हर एक मूवी का अपना प्राइस ब्रैकेट होता है, एंड प्रोड्यूसर्स को मूवी की स्टार पावर को समझकर कहानी का इंटरेस्ट ऑडियंस में जानकर उसके टिकट को प्राइस करना चाहिए। क्योंकि अभी सिनेमा लवर डे के दिन आई मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही के टिकट सिर्फ ₹99 में मिल रहे थे और उसको 2024 की सबसे बड़ी ओपनिंग मिली इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल्स, अपने फर्स्ट डे पर ₹7 करोड़ भी कमाए। एंड कहानी का तात्पर्य तो बस इतना सा है कि अगर मूवी के प्रोडक्शन का 30-40% कॉस्ट सिर्फ एक्टर की फीस में चला जाए तो किसी भी सेंस में इकोनॉमिक्स काम नहीं करेगी। विवेक अग्निहोत्री ने तो ये तक कहा है कि अगर स्टार फीस कम होगी, कम पैसा पीआर और मार्केटिंग में खर्च होगा तो ज्यादा अच्छी रिसर्च और ज्यादा बेटर कंटेंट प्रोवाइड हो पाएगा। एंड मेरा तो अल्टीमेटली ये मानना है किसी फ्री मार्केट की तरह जहां प्राइस सप्लाई एंड डिमांड पे ही डिपेंड करेगा, एंड आज की तारीख में ना तो स्टार्स की डिमांड है ना उतनी सप्लाई जितना बॉलीवुड के पुराने टाइम में हुआ करती थी, एंड इसीलिए एक्टर्स को ना चाहते हुए भी अपनी फीस कम करनी ही पड़ेगी। जैसे टाइगर श्रॉफ जिन्होंने अपनी पिछली 3 मूवीज डिजास्टर दी हैं, रिपोर्ट्स तो आ रही है कि वो अपनी फीस में 80% तक का रिडक्शन करेंगे। एंड आने वाले समय में तुम्हें ऐसे और एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर तुमने नोटिस किया होगा 2024 का फर्स्ट हाफ में शायद ही कोई मूवी ऐसी आई है जो ब्लॉकबस्टर निकलकर ऑडियंस के सामने आई है। एंड इसी इकोनॉमिक्स से ऑडियंसेस ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को ये तो बता दिया है कि अगर तुम हमें बेकार कंटेंट देते रहोगे तो हम उसे देखना बंद कर देंगे। तुम्हारे इस बारे में क्या सवाल है बॉलीवुड के इकोनॉमिक्स के बारे में? तुमने सबसे महंगा मूवी टिकट कितने पैसे को खरीदा है? नीचे कमेंट्स में बताओ अपने इस वीडियो के बारे में थॉट्स मुझे बताओ। यहां तक आ गए हो तो YouTube एल्गोरिथम कहता है कि ये वीडियो तुम्हें और भी अच्छी लगेगी। इनफैक्ट यहां पर ऐसी और डीप डाइव्स की पूरी प्लेलिस्ट है, सबको जाकर चेकआउट करो। चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।